Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 30th October 2021. I'm sure children you all are keeping in good health, you all are maintaining a good health, taking very good care of yourselves, following all the COVID protocols, following all the safety precautions and keeping yourself safe. मैं सेफ्टी की बात तो वैसे तो हर बार ही करती हूँ, हर क्लास में करती हूँ, बट आज क्लास में थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे बिकॉज द चैप्टर इटसेल्फ इज कीपिंग सेफ. ठीक है, इस चैप्टर का नाम क्या है? कीपिंग सेफ, मतलब हम अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं, हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए. अभी तो हम अपने आप को सेफ रखने के लिए वी आर फॉलोइंग ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं अभी हम वो सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, है ना. और कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स है कि मेंटेन सोशल डिस्टेंस, वेयर अ मास्क, देन कीप ऑन वॉशिंग योर हैंड्स, अगर हाथ अगर कहीं बाहर हो नहीं, अगर आप बार बार वॉश कर सकते हो तो यूज अ सैनिटाइजर. ठीक है, टू सैनिटाइज योर हैंड्स, बाहर अननेसेसरीली चीज़ों को टच मत करो. दीज आर सम ऑफ द प्रिकॉशन. जैसे हाथ तो वैसे भी हमेशा ही पहले भी धोते थे, कहीं बाहर से आते हैं तो फर्स्ट थिंग वी डू इज वी वॉश आर हैंड्स. ठीक है, कहीं से भी हम बाहर से आते हैं तो अपने हाथ पैर धोते हैं, अपने फुटवेयर हम बाहर ही निकाल के रख देते हैं. सो दीज प्रिकॉशंस वी वर ऑलवेज टेकिंग, बट यस मास्क हम तो नहीं पहनते थे, मास्क इतना नहीं पहनते थे, अभी हम मास्क पहनते हैं. सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करने का है वो हम पहले नहीं करते थे, दैट वी आर डूइंग. सो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स टू कीप आवर सेल्फ सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस. ठीक है ना, ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जो कि हम फॉलो कर रहे हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दीज, ये तो अभी स्पेसिफिक मेजर्स हैं जो कि हम कोरोना वायरस से बचने के लिए कर रहे हैं, बट अदरवाइज ऑल्सो देर आर सर्टेन सेफ्टी प्रिकॉशंस विच वी मस्ट फॉलो. ठीक है, और भी जगह भी तो हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने होते हैं, चाहे हम घर पे हैं, वेदर वी आर एट होम, वी आर एट स्कूल, वी आर इन द प्लेग्राउंड, वी आर वॉकिंग ऑन रोड, ट्रैवलिंग ऑन रोड, हर जगह हमें सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं. व्हाई? टू कीप आवरसेल्फ सेफ फॉर आवर ओन सेफ्टी, हमारी अपनी सेफ्टी के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए हम सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, है ना. ठीक है, तो दिस चैप्टर इज कीपिंग सेफ एंड इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम ऑफ द डोंट्स. ठीक है, इस चैप्टर में हमने किसके बारे में बात किया है? सम ऑफ द डोंट्स, मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा जो बुक में हमने पढ़ा, अपार्ट फ्रॉम दीज और भी कुछ बातें हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए. जैसे कि आप जब कभी भी रोड पे जा रहे हो, यू आर ट्रैवलिंग, तो जो डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, मतलब जिन लोगों को आप नहीं जानते हो, जो आपके लिए अजनबी हैं, उनसे आप बात मत करो. ठीक है, कई बार लोग बहुत गलत इंटेंशन से बात करते हैं कि कोई आपके पास आ रहा है, बात कर रहा है, तो उसके साथ आप फ्रेंडली मत बात करो. किसी का कोई भी इंटेंशन हो, कोई कुछ भी करना चाहता हो, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए. देन डू नॉट एक्सेप्ट एनी थिंग, कोई भी ईटेबल, स्पेशली अगर कोई आपको कुछ खाने को देता है, सम स्ट्रेंजर हुम यू डू नॉट नो, तो उससे कभी भी कोई चीज़ लेनी नहीं चाहिए. ठीक है, घर पे रहते हो, बाय चांस कभी ऐसा हुआ कि आप मम्मी पापा कहीं ज़रूरी काम से चले गए, तो सबको ये भी नहीं बताना चाहिए कि मैं तो घर में अकेले हूँ. ठीक है, कभी किसी का फोन आया, कुछ आया, तो ये नहीं बताना चाहिए कि हम घर पे अकेले हैं. ओके, सो अभी इसको हम और डिटेल में बात करेंगे जब हम अलग अलग सेफ्टी मेजर्स के बारे में बात करेंगे. नाउ टुडे फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सम ऑफ द डूज. यस्टरडे इन द प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट डोंट्स, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? सम ऑफ द डूज, कि हमें क्या क्या करना चाहिए. ठीक है, क्या क्या हमें करना चाहिए. तो इधर देखो, टर्न टू पेज नंबर 79, दैट इज 79. ठीक है, पेज नंबर 79, वी मस्ट नो सम डूज ऑल्सो. ठीक है, हमें क्या करना चाहिए? दिस इज सम डूज. ठीक है, हमने पढ़ा क्या नहीं करना चाहिए, अभी पढ़ते हैं क्या करना चाहिए. फर्स्ट इज ऑलवेज यूज अ ज़ेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस अ रोड. ठीक है, मतलब रोड क्रॉस करने के लिए हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही क्रॉस करना चाहिए. आपने देखा होगा रोड पे जो
ट्रैफिक सर्कल जैसे होता है, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट होती है वहाँ पे आपने देखा होगा वो जेब्रा क्रॉसिंग रहती है, वो वाइट एंड ब्लैक जो स्ट्राइप्स रहती हैं, दैट इज मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस, मतलब जो लोग पैदल चल रहे हैं सड़क पे, जिनको रोड क्रॉस करनी है, सो दैट इज मेंट फॉर पीपल हु हैव टू क्रॉस द रोड। अब आप ट्रैफिक के बीच से अगर रोड क्रॉस करोगे तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक इतना तेज मूव करता है। तो जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है दैट इज स्पेशली मेंट फॉर पेडेस्ट्रियंस, जो लोग पैदल जा रहे हैं वो भी। आप हमेशा ऐसा नहीं कि जेब्रा क्रॉसिंग से आप कभी भी आपने रोड क्रॉस कर लिया, ट्रैफिक लाइट अकॉर्डिंगली जब जलती है, मतलब जिस साइड से आपको रोड क्रॉस करना है उस साइड पे जब ट्रैफिक रुका हुआ है देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड। उस समय आप इजीली कंफर्टेबली विदाउट एनी रिस्क आप रोड क्रॉस कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग फॉर क्रॉसिंग द रोड, या बड़े बड़े सिटीज में वो फुट ओवर ब्रिज होते हैं, ठीक है। अभी जेब्रा क्रॉसिंग तो हमको कहाँ मिलेगी, सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पे, जेब्रा क्रॉसिंग सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पे ही रहती है, रोड के बीच में तो नहीं रहती है। तो बड़ी बड़ी सिटीज़ में बहुत जगह क्या होता है, बिकॉज रोड्स इतनी वाइड होती है, इतनी चौड़ी होती है और इतनी उस पर व्हीकल्स मूव करती रहती है, अब अगर किसी को रोड क्रॉस करनी है तो पूरा जेब्रा क्रॉसिंग तक तो नहीं जाएंगे, तो वो फुट ओवर ब्रिज होते हैं, ठीक है, वो एक साइड से स्टार्ट होकर के दूसरे साइड में आते हैं। तो अगर बीच से कहीं से क्रॉस करना है तो ऑलवेज यूज दैट फुट ओवर ब्रिज, ठीक है। और अगर ट्रैफिक सिग्नल पे क्रॉस कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना चाहिए, देन गेट ऑफ अ बस और ट्रेन व्हेन इट स्टॉप्स, गेट ऑफ अ बस और ट्रेन When it stops, get off का मतलब है उतरना, ठीक है। तो ट्रेन से या बस से आप तभी उतरो जब वो पूरी तरह रुक जाए, ठीक है, जब वो पूरी तरह रुक जाए तभी उतरो। बहुत लोगों को देखा होगा चलती ट्रेन से उतर जाते हैं, चलती ट्रेन इन द सेंस कि ट्रेन की जब स्पीड बहुत कम हो जाती है, रुकने वाली होती है, तो ट्रेन मूविंग होती है उसी पे उतर जाते हैं दौड़ते दौड़ते, तो उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, कई बार उसमें होता भी है, लोग बैलेंस बिगड़ जाता है, ट्रैक पे गिर जाते हैं, प्लेटफॉर्म पे गिर गए, चोट लग गई, बस से भी चलती बस से उतरे गिर गए चोट लग गई। तो कभी भी व्हीकल से जब उतरो, ट्रेन है बस है स्पेशली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो जब पूरी तरह रुक जाए तभी उतरना चाहिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि जैसे रुकी एकदम सबको धक्का करते हुए उतर गए, आराम से उतरो। सिमिलरली फॉर गेटिंग इन ऑल्सो, गेट ऑफ मतलब उतरना, गेटिंग इन मतलब जब बस में चढ़ना है तभी बस में चढ़ो जब पूरी तरह बस आके स्टॉप पे रुक जाए। स्टैंडिंग में क्यों, बस जब आकर के स्टॉप पे पूरी तरह रुक जाती है देन गेट इनसाइड द बस, लाइन से चढ़ो, सबको टाइम मिल जाएगा चढ़ने का। धक्का मुक्की करके चढ़ोगे कि पहले मैं चढ़ जाऊँ तो उसमें चोट भी लग सकती है, गिर सकते हो, ठीक है। सपोज बस चल दी तो गिर गए, तो बस पे चढ़ना या बस या ट्रेन पे चढ़ना या उतरना जब पूरी तरह रुक जाए तभी उसमें चढ़ो। देन ऑलवेज यूज सीजर्स अंडर एडल्ट सुपरविजन, एडल्ट मतलब बड़े लोग, ठीक है। एंड एस यू पी ई आर वी आई एस आई ओ एन, सुपरविजन का मतलब होता है देख रेख। ऑलवेज यूज सीजर्स, थर्ड इज ए एल डब्ल्यू ए वाई एस, ऑलवेज यूज एस सी आई एस एस ओ आर एस, सीजर्स अंडर A D U L T, adult, S U P E R V I S I O N, supervision, ठीक है। Always use scissors under adult supervision. Scissors माने कैची, तो कैची आप जब भी यूज करते हो हमेशा किसी बड़े की देखरेख में करो, मतलब अकेले आप scissors मत यूज करो। आप अभी छोटे हो, scissors अकेले यूज करोगे हो सकता है हाथ कट जाए। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, कहीं पे रख करके कहीं पे बैठ के आप काम कर रहे हो, नीचे कोई चादर बिछी है, कोई बेड कवर बिछा है, कोई टेबल क्लॉथ बिछा है, साथ में वो भी कट जाता है। तो सीजर्स को कभी भी यूज करो तो हमेशा किसी बड़े के साथ बैठ के यूज करो, ठीक है। देन लर्न स्विमिंग अंडर ए कोच, वेयर अ लाइफ जैकेट, फोर्थ इज एल ई ए आर एन, लर्न एस डब्ल्यू आई एम एम आई एन जी, लर्न स्विमिंग under a coach,
वेयर आ लाइफ जैकेट. दीज आर जस्ट सम ऑफ देम. जैसे यहाँ पे ये फोर लिखे तो ऐसा नहीं कि दीज आर द ओनली डूज, कि सिर्फ हमें यही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हैं. ठीक है, अभी जब हम सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड पढ़ेंगे तब हम डिटेल में और बात करेंगे. दीज आर सम ऑफ द जनरल मेजर्स, ठीक है, जो हमें जनरली फॉलो करना चाहिए. तो स्विमिंग, कहीं अगर स्विमिंग करने जाते हो, स्विमिंग सीखने जाते हो, तो हमेशा जो प्रॉपर जो ट्रेंड कोच होते हैं जो स्विमिंग सिखाते हैं उनसे, उनके अंडर में स्विमिंग सीखो. एंड हमेशा लाइफ जैकेट पहन के. लाइफ जैकेट क्या होता है, जैसे जो व्हीकल्स के जो ट्यूब होते हैं ना, टायर ट्यूब होता है, टायर के अंदर ट्यूब होता है, उसके अंदर एयर रहती है, हवा भरी रहती है, तो उसी तरह के ट्यूब्स होते हैं, वो पहन लेने से पानी में डूबते नहीं है क्योंकि उसके अंदर हवा भरी रहती है. तो जिस चीज़ में भी एयर होती है वो पानी के अंदर नहीं जाती है. ठीक है, तो या तो वो ट्यूब पहन करके स्विमिंग करते हैं या लाइफ जैकेट होती है. जैकेट जैसे आप स्वेटर पहनते हो ना, तो उस तरह का जैकेट होता है, उसके अंदर हवा भरी रहती है तो उससे डूबते नहीं है. क्योंकि पानी में स्विमिंग करने जा रहे हो, स्विमिंग आती नहीं है, पहले सीखना है, तो हमेशा प्रॉपर कोच से, जिनको स्विमिंग आती है, जो प्रॉपर कोच होते हैं, उनके अंडर में स्विमिंग सीखो. एंड वेयर अ लाइफ जैकेट. लाइफ जैकेट है या वो ट्यूब होता है, उसको पहन करके ही स्विमिंग सीखोगे. ठीक है, दीज आर जस्ट सम ऑफ द जनरल मेजर्स. इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि नेवर बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स से बात मत करो, किसी की कोई चीज़ दी हुई एक्सेप्ट मत करो. ठीक है, देन रोड पे व्हेन यू वॉक ऑन द रोड ऑलवेज होल्ड योर पेरेंट्स हैंड. जो भी आपके साथ बड़ा चल रहा है, कभी भी रोड पे अकेले नहीं ट्रैवल करो. पहली बात, आपके साथ कोई ना कोई बड़ा होना चाहिए, और जो भी आप, जिसके साथ भी आप ट्रैवल कर रहे हो उसका हाथ पकड़ करके रखो. रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए कि दौड़ करके रोड क्रॉस कर रहे हैं. दौड़ करके रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए, आराम से वॉक करके रोड क्रॉस करो. ठीक है, रोड पे जब ट्रैवल करते हो तो फॉलो ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक के जो भी रूल्स हैं आप उसको फॉलो करो. अगर फॉलो नहीं करेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि कोई एक्सीडेंट होगा. सो फॉलो द रूल्स, ट्रैफिक के जो भी रूल्स हैं, रोड के साइंस होते हैं, जो भी ट्रैफिक रूल्स हैं वो फॉलो करो. ठीक है, एंड घर में भी मम्मी पापा भी कुछ एक रूल्स बना के रखते हैं सेफ्टी के लिए, तो कि घर में ऐसे कोई आ जाए तो किसी के लिए, हर किसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलो, कि घंटी बजी, किसी ने डोर नॉक किया और फट से जा करके खोल दिया. आप कभी भी, मतलब लेट योर पेरेंट्स ओपन द डोर. आप लोग छोटे हो, आपके पेरेंट्स दरवाज़ा खोलते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, देन ट्रैफिक सिग्नल पे ट्रैफिक लाइट होती है, यू ऑल नो कि रेड लाइट है, दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप. येलो लाइट दैट मीन्स वेट, एंड ग्रीन लाइट दैट मीन्स गो. तो उसी ट्रैफिक लाइट से अकॉर्डिंग सारा ट्रैफिक मूव करता है ना. देन अभी तो ये कुछ सम ऑफ द, ऐसे तो स्विमिंग पूल में जैसे स्विमिंग सीखने जाते हो तो यू लर्न फ्रॉम द कोचेस. कभी भी ऐसे कहीं घूमने जाते हैं, जैसे यहाँ पे घाट हैं बहुत सारे, अक्सर लोग जाते हैं बोटिंग करने जाते हैं, घाट पे घूमने जाते हैं, तो कभी भी पानी में मत उतरो ऐसे अकेले कि चलो पानी में बड़ा मज़ा आ रहा है, पानी में उतर गए. कभी भी नहीं ऐसे जाना चाहिए, बिकॉज पानी में नीचे अंदर क्या है, वी आर नॉट अवेयर, वी डू नॉट नो. ऐसे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं पानी में जाते, लोग पता नहीं होता है, मस्ती करने जाते हैं और संगी पैर एकदम से स्लिप कर गया और पानी में चले गए, एंड बाय द टाइम कोई उनको बचाने के लिए तब तक वो डूब जाते हैं. तो पानी में भी कभी ऐसे नहीं उतरो. बोटिंग करने जाते हो, या बनारस में अक्सर जाते हैं लोग बोटिंग करने, तो जब नाव में बैठते हो, बोट में बैठते हो, तो सिट क्वाइटली, इधर उधर जंप करना नहीं चाहिए, इधर से उधर जाना, उधर से उधर कूदना, क्योंकि उससे क्या होता है, बोट का बैलेंस बिगड़ता है, तो ये नहीं करना चाहिए. बस में भी जब आप ट्रैवल करते हो, जैसे अभी तो स्कूल बस में जब ट्रैवल करते हो या कहीं भी जा रहे हो, तो बस में भी बहुत शोर, बहुत हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए. व्हाई? बिकॉज इट डिस्ट्रैक्ट्स द ड्राइवर. अब बहुत जब ज़्यादा शोर करते हो बस में, इधर उधर दौड़ भाग करते हो, तो एक तो ड्राइवर डिस्ट्रैक्ट होता है, उसका दिमाग इधर उधर जाता है, एंड सेकेंडली आपको चोट लगने का भी डर रहता है. कहीं ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाना पड़ गया, आप गिरोगे उल्टे मुंह. तो बस में भी, जैसे बस में भी ट्रैवल करने के देयर आर सर्टन रूल्स. हर चीज़ लिखी तो नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमें अपने कॉमन सेंस से भी फॉलो करनी चाहिए. ओके, सो चिल्ड्रन, वी हैव टॉक्ड अबाउट सम ऑफ द डूज टुडे. प्रीवियस क्लास में हमने कुछ डोंट्स के बारे में बात किया, आज हमने कुछ
डूज मतलब क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए उसके बारे में बात किया, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास नाउ इस लेसन का और लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी एट द स्कूल, सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड, सेफ्टी एट होम। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट सेफ्टी ऑन द रोड, ओके। सेफ्टी ऑन द रोड पढ़ेंगे, फिर सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड, और घर में तो सेफ्टी के रूल्स हमने जैसे पढ़े थे, जो डूज एंड डोंट्स हमने पढ़ा, ठीक है। सो टुडे आई विल स्टॉप द क्लास, आई विल एंड द क्लास। चिल्ड्रन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।